कोरोना महामारी के दौर में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में पत्रकारों के हित में बात कही है। उन्होंने कहा है कि गैर अधिमान्यता और अधिमान्यता पत्रकारों की चिंता सरकार करेगी। तो जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह हुसैन, मंडला लोकसभा क्षेत्र के सांसद राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, शिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, केवलारी विधायक राकेश पाल, लखनादुन विधायक योगेंद्र सिंह बाबा, बरघाट विधायक अर्जुन सिंह और केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश सिंह हरवंश एवं पूर्व सांसद नीता पटेरिया, प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव कुमार, जिला भाजपा अध्यक्ष पंडित आलोक दुबे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना, पप्पू जी और इसके अलावा अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार भी व्यक्त किया है और पहले भी उन्होंने पत्र लिखकर मांग भी की थी कि पत्रकारों को फ्रंट लाइन का दर्जा मिलना चाहिए। कोरोना संक्रमण के इस विकट संकट में हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार साथी दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जनता तक जानकारियां पहुंचाते पहुंचाते, अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते करते कई हमारे पत्रकार साथी भी संक्रमित हुए और कुछ का दुखद स्वर्गवास भी हो गया। इस समय जरूरी है कि ऐसे सभी मित्रों का जो कोविड की बीमारी से संक्रमित होते हैं उनका इलाज ठीक ढंग से हो जाए। मध्य प्रदेश में अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकार साथियों के पहले से ही पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था है। पत्रकार कल्याण योजना में भी उनको सहायता दी जा रही है। शासकीय अस्पताल और अनुबंधित अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा है। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के, संपादकीय विभाग के सभी मीडिया कर्मी अधिमान्य हो या गैर अधिमान्य हो और उनके परिवार का यदि कोई भी सदस्य कोविड की बीमारी से पीड़ित होगा तो मध्य प्रदेश सरकार उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ेगी, उनका पूरा इलाज करवाया जाएगा ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह भी कर सकें और अगर कोविड से वो या परिवार का कोई सदस्य पीड़ित होता है तो उनका बेहतर इलाज किया जा सके।